हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आज के वीडियो के अंदर हम एक ब्रीफिंग लेंगे कि किस तरह आपको अपना पीएचडी रिसर्च प्रपोजल जो है वो लिखना होता है। तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं और आपको रेफरेंसेस जो है वो कैसे साइट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। देखिए, एक रिसर्च वर्क क्या होता है जो आपका देश का और जो ग्लोबल रिसर्च बैंक है, ये माना जाता है कि आपका रिसर्च उस कैलिबर का होना चाहिए कि उस रिसर्च बैंक के अंदर आप वैल्यू एडिशन जो है कर पाओ अपनी रिसर्च के थ्रू। तो आपकी रिसर्च का जो वैल्यू है वो तभी हो पाती है अगर कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी उसको अप्रूव करे। ठीक है, अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, अगर आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड स्कॉलर नहीं हो और अगर आप ऐसे ही कोई रिसर्च करते हो तो उसकी कोई वैल्यू जो है वो एज सच नहीं रहती। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए पीएचडी रिसर्च स्कॉलर अपने आप को एनरोल करना पड़ता है। उनके अंडर आप रिसर्च स्कॉलर तभी एनरोल हो पाओगे अगर आपका रिसर्च प्रपोजल वहां पे एक्सेप्ट होता है। और रिसर्च प्रपोजल ताकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर पाए उसके लिए आपको एक सॉलिड सा रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है। यानी कि ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक, एक जिसको कहते हैं रोड मैप है। सिंपल भाषा में रिसर्च प्रपोजल क्या है, इट इज अ रोड मैप, रोड मैप फॉर डूइंग योर रिसर्च सिस्टमैटिकली। एंड ये क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। दिस इज फ्यूचरिस्टिक, मतलब इसके अंदर जो भी आप भाषा यूज करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं तो वो विल होगा। जनरली बच्चे प्रपोजल और प्रोजेक्ट के अंदर कंफ्यूज होते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्च के बाद लिखा जाता है, रिसर्च प्रपोजल आप रिसर्च करना चाहते हैं उससे पहले लिखा जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छा आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट तभी करेगा जब उनको लगेगा कि हाँ भैया, इस रिसर्च से कुछ नया निकल के आएगा या ऐसी प्रकार की रिसर्च जो है वो नहीं हुई। तो वो पहले तो ये चेक करते हैं, दूसरा ये चेक करते हैं कि जो सामने कैंडिडेट है क्या उसके दिमाग में क्लैरिटी तो है ना कि वो क्या करने जा रहा है और किस तरह करेगा। क्या वो करने जा रही है, क्या करने जा रहा है उसके बारे में क्लैरिटी है, क्या वो डुएबल है एक लिमिटेड टाइम में जो 5 साल का होता है पीएचडी का। तो आज मैं आपको वो सारा का सारा आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू। तो रिसर्च प्रपोजल मैंने आपको बता दिया, इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर द इंटेंडेड स्टडी, जो आप रिसर्च करना चाहते हो उसका एक छोटा सा क्या है, रोड मैप है। इसको बोला जाता है कि ये एक बैकबोन होती है रिसर्च की। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो आपको मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको अप्रूवल दे दे कि आप उनके रिकॉग्निशन के अंदर उस यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ रिसर्च स्कॉलर अपनी पीएचडी रिसर्च कर पाए ताकि आपको जो कैंडिडेचर जो है वो मिल पाए, आपको पीएचडी जो है करने की परमिशन जो है वो मिल पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिसर्च प्रपोजल बना के रिसर्च कमेटी जो बैठती है उसके सामने उसको प्रेजेंट करना होता है और आपको उसको डिफेंड करना होता है। प्रेजेंट और डिफेंड क्या होता है वो मैं आपको अभी साथ साथ में ही बताऊंगी। ठीक है, परमिशन अगर मिल गई तभी आपको वो एज अ रिसर्च स्कॉलर एक्सेप्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिक बेसिक स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रपोजल के। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका टाइटल है ना, जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है आप वो लिखते हो। ओके, और उसके बाद आप क्या लिखते हो कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर आप इंट्रोडक्शन ऑफ योर टाइटल एंड वेरिएबल्स, आपको पता है ना वेरिएबल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो आपको उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जिसके अंदर डेफिनेशंस दी होती हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एजुकेशनिस्ट्स ने या रिसर्चर्स ने, आप वो डेफिनेशंस लिख सकते हो। फिर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर या जिसको कहते हैं रिलेटेड प्रीवियस लिटरेचर, रिलेटेड लिटरेचर यानी कि जो प्रीवियस रिसर्चेस हुई हैं, है ना, प्रीवियस रिसर्चेस हुई हैं उनको आप, उनकी जो कंक्लूजन हैं वो आप लिखते हो। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं मेटाकॉग्निशन पे रिसर्च करना चाहती हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा सा फ्रेम बना के स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं दुनिया की पहली इंसान हूँ जो मेटाकॉग्निशन को फाइंड आउट कर रही है या इमोशनल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर रही है। आई एम श्योर
ऐसे और भी बहुत रिसर्चर्स हुए होंगे वर्ल्ड वाइड में जिन्होंने इनके ऊपर काम किया है, तो उनके क्या कंक्लूजन थे, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, वो क्रिस्प फॉर्म में उन्होंने भी थीसिस लिखी होगी, रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, तो उनके आपको क्रक्सेस लिखने होते हैं और साथ में आपने उनको मेंशन करना होता है. फॉर एग्जाम्पल आप मेरा ही कोई रिसर्च का कंक्लूजन लेते हो, तो आप कंक्लूजन लिख के मेरा नाम और उसकी जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है, ईयर ऑफ रिसर्च होती है, वो आपको लिखना होता है. उसका रिव्यू का लिखने का एक अलग तरीका होता है, फोकस हम करेंगे स्टेप्स के ऊपर. उसके बाद ना स्टूडेंट्स आपको लिखना होता है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, यानी इसका मतलब है इम्पोर्टेंस. ये बहुत ब्रीफ में आपको लिखना होता है कि आपकी जो स्टडी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, आज के जमाने में वो क्या ऐड कर देगी, सिग्निफिकेंस क्या होता है. तो जो सबसे पहले क्वेश्चनिंग होती है वो यही होती है कि रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों चूज किया और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. याद रखिए मैं लिख रही हूं यहाँ पे, एक ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एक ये रैशनल के ऊपर कि भैया क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी रिसर्च करवाने से देश के रिसर्च बैंक में क्या फायदा हो जाएगा, हमारे इंस्टीट्यूशन को क्या वैल्यू एडिशन होगी. इसके साथ साथ आप लिखते हो ऑब्जेक्टिव्स, एग्जैक्टली क्या करना होता है. अगर आपने कोर्स क्लास ज्वाइन की है उसके अंदर डिटेल में रिसर्च प्रपोजल, स्टेप्स ऑफ रिसर्च ये सब हम करते हैं, उसके अंदर ये डिटेल्ड होगा. ये वीडियो मैं एकदम क्रिस्प रखना चाहती हूँ बच्चों के लिए. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपके रिसर्च के, उसके बाद आप रिसर्च क्वेश्चंस, या फिर अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है, क्योंकि यहाँ पे पता होगा ना भैया टाइटल के अंदर कि क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव, तो अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है तो आप रिसर्च क्वेश्चंस ही लिखेंगे, और अगर आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च है हाइपोथेसिस लिखेंगे. हाँ, अगर रिसर्च क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसमें कोई मना ही नहीं है. क्वालिटेटिव के अंदर आपको जो है हाइपोथेसिस नहीं लिखनी है. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, रिसर्च डिजाइन के अंदर. रिसर्च डिजाइन के अंदर आप क्या लिखते हो कि कौन सा रिसर्च मेथड है जो आप फॉलो करोगे, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव सर्वे कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो, या कौन सी कर रहे हो. अगर एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट का कौन सा टाइप कर रहे हो, चलिए बताइए कौन सा सैंपल होगा, है ना, सैंपलिंग टेक्निक कौन सी होगी. चल इसके अंदर आपको ये भी बताना होगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे कैसे, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, है ना. तो इसके अंदर आपके डेटा कलेक्शन टूल्स, आप कौन सी स्टार्ट्स लगाओगे, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह करेंगे. और मैं अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात कर रही हूं, मतलब आप डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स कौन सी लगाओगे, है ना, मीन मीडियन नॉर्मैलिटी वगैरह चेक करोगे, और इन्फरेंशियल स्टार्ट्स कौन सी लगाओगे. यानी कि अगर मेरा कोई स्टडी है, यू नो रिसर्च टाइटल मेरा बनता है, सिंपल सा लेते हैं, इतना सिंपल होता नहीं है पीएचडी में, बट फॉर एक्सप्लेनेशन, द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फैमिली एनवायरमेंट. तो बिटवीन लिख दिया ना मैंने, रिलेशनशिप भी लिख दिया, तो इन्फरेंशियल स्टैट्स में मैं क्या लगाऊंगी, कोरिलेशन. अगर मैं ये लिखती हूँ कि टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो दो ग्रुप्स को मैंने डिफरेंस टेस्ट करना है, तो टी टेस्ट लगेगा, जेड टेस्ट लगेगा. ये सब निचोड़ जो है आपको यहाँ पे लिखना होता है कि कौन से डिस्क्रिप्टिव इन्फरेंशियल आप स्टैट्स लगाएंगे, साथ में आप किस तरह से डेटा एनालिसिस करेंगे, आप इसका भी क्रक्स लिखोगे. और अगर आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, अगर यही बेटा क्वालिटेटिव भी हो सकती है, तो क्वालिटेटिव के अंदर अगर आप कंटेंट एनालिसिस करते हो, ट्रायंगुलेशन करते हो, ये सब लिखना पड़ेगा. क्वालिटेटिव के अंदर एनवीबो जैसे सॉफ्टवेयर यूज करोगे, लिखना पड़ेगा. तो ये चीज जो होती है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस की बौछार होती है, और इसलिए रिसर्च जो डिजाइन है इसके ऊपर पकड़ बना के रखना. उसके बाद लास्ट के अंदर आप डिलिमिटेशंस लिख सकते हैं, जैसे आपकी जो रिसर्च है वो किस तरह सीमित है. अगर दिल्ली में की है, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप पे की है, तो वो आप लिखते हो. डी लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन नहीं होता है. इसके अलावा ऑपरेशनल डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं. ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, है ना, आप उनको किस सीमा के अंदर ही स्टडी करोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर स्टडी करना चाहती हूँ. कम्युनिकेशन स्किल में लिसनिंग भी आता है, स्पीकिंग भी आता है, रीडिंग भी आता है, राइटिंग भी आता है, लेकिन मैं अपनी रिसर्च में कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स चेक करना चाहती हूँ. तो ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब कि अंडर कम्युनिकेशन स्किल्स आई विल बी स्टडिंग ओनली स्पीकिंग स्किल्स,
और अगर स्पीकिंग स्किल्स के अंदर भी मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्लुएंसी चेक करनी है, प्रोनंसिएशन चेक करनी है, मुझे इंटोनेशन, पिच, ग्रामर नहीं चेक करनी है, तो मुझे नहीं लिखना. मुझे क्या लिखना है, आई विल बी स्टडिंग स्पीकिंग स्किल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लुएंसी प्रोनंसिएशन. दैट्स ऑपरेशनल डेफिनेशन. तो अगर आप वो लिखते हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाती है. एक रिसर्चर बहुत खुश हो जाता है, आपकी जो कमेटी है वो, उसको समझ में आ जाता है कि जो सामने आ रहा है ये अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड है. और लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी लिखते हो या रेफरेंसेस लिखते हो, तो इसमें क्या होता है कि आपने जो रिव्यू के अंदर लोगों को मेंशन किया, आप उनको क्रेडिट देते हो. ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन में उनकी डेफिनेशंस ली तो आप क्रेडिट देते हो, तो ये बहुत जरूरी होता है. और हमारे सोशल साइंसेस के अंदर जनरली एपीए फॉर्मेट जो है यूज होता है. अभी इस टाइम पे एपीए 7 जो है वो चल रहा है. ठीक है, आई थिंक मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है. और एक बारी आई विल टेक यू थ्रू क्विकली. ये एक कवर पेज होता है, यानी कि अगर आपका स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स इट शुड बी, तो यहाँ पे भाई कहीं पे नहीं लिखा है, कहीं पे किसी भी किताब के अंदर नहीं लिखा है. हाँ, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो जब रिसर्च प्रपोजल्स मांगते हैं तो उनके आपको इंस्ट्रक्शंस को प्लीज पढ़ लीजिएगा. उस इंस्ट्रक्शन जो यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं. कहीं पे बोला जाता है भैया 2000 से 2500 के अंदर लिखो, कहीं पे कहते हैं कि नहीं भैया सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी दो, है ना. तो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो ना तो भैया उनके इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से ही सब कुछ आप पता चलता है. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उन्होंने कहा 2500 से 3000 वर्ड्स का लिखो, वो फॉलो करना पड़ेगा. बीएचयू में अगर लगाते हो, बीएचयू बोलते हैं कि नहीं हमको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बता दो. एब्स्ट्रैक्ट कितने की होगी, 400 वर्ड्स की होगी, इसके अंदर आप बता दो. सो मेरा यहाँ पे कहना बहुत है, बनता है आप सबको कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करें, एंश्योर कि आप उनके इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े. हो सकता है पंजाब में मेरी यूनिवर्सिटी में जब हमने किया था तो उन्होंने कोई वर्ड लिमिट जो है वो नहीं रखी थी. सो इट डिपेंड्स. सो प्लीज डू चेक बिफोर यू मेक अ रिसर्च प्रपोजल. उसकी जो टाइटल पेज होती है वो कुछ इस तरह होती है, जहां पे जो आपका फ्रंट पेज है, जो आपका स्टेटमेंट है वो आप लिखते हो, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आप लिख रहे हो. यहाँ पे मैंने एजुकेशन लिखा है, अगर कोई सोशियोलॉजी में करना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस में, व्हाटएवर. और भाई यहाँ पे रिलेटेड यूनिवर्सिटी लिख देना. बच्चे 3-4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, रिजेक्शन हो जाती है, तो रिलेटेड यूनिवर्सिटी नहीं लेके जाना. अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे तो डीयू लिख देना. इसी प्रपोजल को बीएचयू में लेके जाओगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मत रहने देना, बीएचयू लिख देना. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हटा के एएमयू कर देना. भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और आप सबमिट कर रहे हो तो अपना नाम लिख लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा. ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखिए, सुपरवाइजर की जगह खाली छोड़ दीजिए. अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से जा रहे हो, रिसर्च स्कॉलर दूसरी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको अपना भी एग्जाम्पल दिया था, अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, एक ही डिपार्टमेंट के होते हैं, जीआरएफ होते हैं, तो आपके ऑलरेडी सुपरवाइजर्स के साथ आप बातचीत करके वो खुद ही आपको अपने अंडर आपका प्रपोजल बनवाते हैं. और आपको प्रेजेंट करना होता है, डिपेंड करना होता है. और एज आई एम सेइंग, अगर आप एक ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो एंड यू हैव बीन अलॉटेड द सुपरवाइजर, यू कैन राइट देयर नेम. बट जनरली केसेस में आउटसाइड स्टूडेंट्स होते हैं तो आपको ये सुपरवाइजर की जगह खाली छोड़नी होती है. अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो डिपार्टमेंट खुद ही आपको प्रोफेसर अलॉट कर देते हैं, जिनके अंडर पीएचडी कैंडिडेट्स की जो सीट्स होती हैं वो खाली होती हैं. याद रखिए, जो प्रोफेसर के पद पे ऊपर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, एसोसिएट नहीं, प्रोफेसर, वो ज्यादा से ज्यादा 8 कैंडिडेट्स रख सकता है पीएचडी के. तो डिपेंड करता है कि आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें वो कौन सा सुपरवाइजर अलॉट करते हैं. ये एक फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रेफरेंस, वो तो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, ये रेफरेंस टाइटल पेज जिसको कि मैं कवर पेज कहती हूँ, फटाफट झलकियां देखेंगे. ठीक है, उसी प्रकार से आप ये देखिए, मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं. टाइटल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया. ये याद रखिएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जिस भी साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं, रिसर्चर का नाम लिख रहे हैं, उनको रेफरेंस के अंदर जरूर लिखना है. क्योंकि मेरे जैसा एग्जामिनर अगर बैठा होता है तो वो क्या करता है, वो चेक कर लेता है कि आपके जो रेफरेंसेस हैं क्या उसके अंदर वो मेंशन है या नहीं. क्योंकि बहुत बहुत बड़े स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे मिस कर जाते हैं कि वो रिव्यू में लिख देते हैं,
और रेफरेंसेस में नहीं लिखते। कई इतने ज्यादा तोप होते हैं कि वो रेफरेंसेस को बड़ा बनाने के लिए या बिब्लियोग्राफी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा रेफरेंसेस लिख लेते हैं और उनकी साइटेशन उनके रिसर्च प्रपोजल में नहीं होती, तो यहाँ पे आप फंस जाते हो। सो एंश्योर करिए कि उन्हीं का ही रेफरेंसेस के अंदर नाम लिखिए जो कि ऑलरेडी आपके रिसर्च प्रपोजल में मेंशनड है, और जो रिसर्च प्रपोजल में मेंशनड है उनको आपको बिब्लियोग्राफी के अंदर जरूर मेंशन करना है। तो ये एक अगेन स्निपेट है कि किस तरह आप रिव्यू लिखते हो, क्योंकि मुझे काफी स्टूडेंट्स कहते हैं मैम कैसे लिखना चाहिए। तो ये देखिए, ये किसी का कंक्लूजन है किसी भी चीज के बारे में, तो उनका रेफरेंस दिया गया है प्रेस्टन करके, ठीक है। ये देखिए, ये हिनमैन का रेफरेंस दिया हुआ है, इसके बाद ये हॉवर्ड का, ये देखिए मार्टिन का। तो इस प्रकार से आपने इनके जो यू नो कंक्लूजन होते हैं वो क्रिस्प फॉर्म में, भारत के अंदर आदत है बड़े बड़े चीजें लिखने की, ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत बड़ी है, इसको आपको इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। कम शब्दों के अंदर आपको एनरिचिंग कंटेंट, एनरिचिंग कंक्लूजन जो है वो लिखने होते हैं और हर एक का आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। अगेन ये मैंने उसे कंटिन्यू किया है, ये यहाँ देखिए मोहम्मद 18 का, ये तीन लोग हैं, इनका कोई सिमिलर यू नो था जो कंक्लूजन है, अगेन यहाँ पे रेफरेंस है, और आपको बिब्लियोग्राफी में ये सब मेंशन करना है। तो ये देखिए, इनको हमने मेंशन किया था, मैंने आपको बताया कि आप जब बिब्लियोग्राफी में इस तरह इनको साइट करेंगे, आप एपीए इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा, और एपीए में आजकल तो आईसीटी इतना मदद कर चुका है हमें, आप मदद ले सकते हैं साइट फास्ट जैसे टूल्स की। साइट फास्ट टूल्स जो है ये एक टूल है जो कि आपको हेल्प करता है, हेल्प इन मैनेजिंग योर बिब्लियोग्राफी। यू नो व्हाई, ये कॉमा जो लगता है ना, कॉमा, फुल स्टॉप, ब्रैकेट कब लगना है, एंड कब लगना है, ये देख रहे हो, ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है ना, ये पेज नंबर लिखा हुआ है, ये यूआरएल लिखा हुआ है, कब डॉट लगा, ये सारा का सारा एपीए के अंदर देखा जाता है, और रिसर्च कमेटी वाले बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आपके लिए फायदा क्या है कि आपको ये जो टूल्स हैं साइट फास्ट जैसे जो टूल्स हैं ये मदद करते हैं रेफरेंसेस को लिखने में। आपने सिर्फ रिसर्चर का नाम डाला, जर्नल का नाम आपने लिख दिया, रिसर्च थीसिस या जो भी है रिसर्च पेपर का टाइटल लिख दिया, और आपने इन दबाया, आपने उसको लिखा, उसके अंदर टाइप किया, और अपने आप इस फॉर्मेट के अंदर आपको लिख देता है। बस आपको उसमें लिखना होता है कि थीसिस से लिया है, रिसर्च पेपर से लिया है, बुक से लिया है, तो वो अपने आप इस फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है जी। ये आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस, क्या फायदा होगा उनको, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये मत समझिएगा कि बिब्लियोग्राफी बीच में आएगी, ये लास्ट स्टेप है, ये मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए लिखा है कि ये जो लोग हैं, ये लोग ठीक है, ये लोग प्रेस्टन, हिनमैन, इनको जरूर मेंशन करना है लास्ट स्टेप के अंदर, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रैशनल, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिए हैं, रिसर्च क्वेश्चन जो कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है, और क्वांटिटेटिव के अंदर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिटेटिव के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन जो हाइपोथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव जो रिसर्चेस होती हैं, क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसी के साथ ही लगता है, ठीक है। आई थिंक आई हैव रिटन दिस ऑलरेडी। रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, आई होप आप समझ चुके हैं कि क्यों आप रिसर्च करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो रिसर्च को, है ना, तोड़ के आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लिखते हो। रिसर्च डिजाइन के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी होगी, कौन सी सैम्पलिंग करेंगे, सैंपल कितना होगा, सैंपल के अंदर कितने लोग होंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, कौन से टूल करेंगे, है ना, कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे यानी कि डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स लगाएंगे, इन्फरेंशियल स्टैट्स कौन सी लगाएंगे, और अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है तो कंटेंट एनालिसिस कैसे करेंगे, कितने समय में आपको लगता है कि आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी वो लिख देंगे, एथिकल कंसिडरेशन अगर कोई है, अगर कोई आपके पास कोई यू नो बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है तो आप एथिकल कंसिडरेशन लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। कौन से रिसोर्सेज होंगे, या आप ये भी लिख सकते हो, आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो सॉफ्टवेयर्स को भी आप मेंशन कर सकते हो। ऑल राइट, डिलिमिटेशंस बता दिया, कहाँ पे आपका कितना सैम्पल साइज होगा, किस जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर
ये आपने किया है ये मेंशन करोगे, और बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस तो मैंने आपको बोल दिया है मैक्सिमम एपीए यूज होता है, लैंग्वेजेस के अंदर एमएलए यूज होता है मोस्टली, ऑलराइट, और सोशल साइंसेस के अंदर एपीए। शिकागो आई एम श्योर आपने गुलशन मैम के साथ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पेपर वन के अंदर मैम बहुत अच्छा कराती हैं कि किस प्रकार से रेफरेंसेस आप लिखते हैं। मेरी बुक है पेपर वन की, उसके अंदर अगर आप ये वाला सेक्शन पढ़ते हैं कि किस तरह साइट करना है, तो उसके अंदर शिकागो, एमएलए, एपीए, ये सारा का सारा आपको डिटेल फॉर्म के अंदर मिल जाएगा कि कौन से साइटेशन में, कौन सी तरह के साइटेशन में किस तरह रेफर किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस प्लेजरिज्म के साथ साथ, रिसर्च एथिक्स के साथ साथ, सॉफ्टवेयर के साथ साथ, जो ये होता है यू नो कि कैसे आपको रेफरेंस लिखने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं अलॉन्ग विद टाइप्स ऑफ रिसर्च। आई होप दिस सेशन हैज बीन फ्रूटफुल टू यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।